वो आप देख सकते हैं जंगली जानवर नीलगाय, जो कि फसलों को देखिए नुकसान पहुंचा रहा है। ये पूरा व्यू आप देख सकते हैं। वो देखिए भाई साहब जा रहे हैं हम उसको खेत से बाहर निकालने। वो देखिए आप देख सकते हैं दो नीलगाय थी, ये देख लीजिए। ये पूरा हरियाली आप देख सकते हैं मेरे गांव की। पूरा व्यू आप देख सकते हैं। तो आप लोग बने रहिए, देखिए हम लोग अब नीचे जा रहे हैं। ये पूरा आप खाई देख सकते हैं, ये पूरा खाई देख सकते हैं आप। अब जंगल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। ये पूरा सीन आप देख सकते हैं जंगल का। इधर देखिए भाई साहब भी आ रहे हैं। चलिए हम लोग आप लोगों को अंदर लेकर चलते हैं इस जंगल में। ये पूरा आप देख सकते हैं खाई यहाँ से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम, ये मेरे भाई साहब हैं, देखिए हम लोग साथ में आज चलेंगे जंगल, जो मेरे गांव का जंगल है जस्ट नदी किनारे। वो किनारे का क्षेत्र है आप देख सकते हैं। तो आपको उस लोकेशन पर हम लेकर चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा व्यू पीछे का, ये देखिए कितना खाई है। ये पूरा व्यू आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम वहाँ पास में लेकर चलते हैं, चलिए हम वहाँ लेकर चलते हैं, नीचे आप लोगों को दिखाते हैं कितना अच्छा व्यू आ रहा है। जबकि काफी डरावना एरिया है, आप लोग देख सकते हैं। ये पूरा व्यू आप लोग देख सकते हैं, देखिए कितनी खाई है। इधर पीछे भी आप देख सकते हैं, देख लीजिए भाई साहब कितने ऊपर खड़े हुए हैं। ये पूरा व्यू आप देख सकते हैं, जैसे उत्तराखंड में उच्चावच भूमि है ऐसे ही जस्ट मेरे गांव में आपको देखने को मिलेगी। वहां देखिए एक भाई साहब खड़े हैं। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप लोग, ये गांव का नाला है। बारिश के मौसम में जब पानी ज्यादा हो जाता है तो गाँव का पानी सारा नाले के माध्यम से होते हुए नदी में प्रवाहित हो जाता है। तो चलिए हम वहाँ लेकर चलते हैं, आप लोग बने रहिए। ये पूरा व्यू आप लोग देख सकते हैं। यहाँ देखिए बांस, बांस लगा, कितना बड़े बड़े बांस हैं। ये पूरा व्यू वहाँ देख सकते हैं, एक अंकल मछली मार रहे हैं। वो देख सकते हैं आप लोग, मछली मिली अंकल आपको? अभी दो मछली मिली? कब से आप बैठे हैं यहाँ से? अच्छा, 2 बजे से। ये पूरा व्यू देखिए आप लोग, कटिए के माध्यम से ही मछली पकड़ते हैं। इधर का पूरा व्यू आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं यहाँ से। वैसे निकलना तो काफी मुश्किल है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये देख सकते हैं आप लोग। अब ऐसे में इसमें जानवरों का डर रहता है, कोई भी सांप बिच्छू कोई भी जानवर इसमें हो सकते हैं, तो बचाकर इसमें से चलना होगा। ये भी काम है।
बने रहिए आप लोग मेरे साथ। अब यहाँ से व्यू आप लोग देख सकते हैं, ये बांस देखिए कितने मोटे मोटे बांस हैं। अब यहाँ से इस खाई को देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है। काफी अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से देखिए। आज तो मौसम काफी गर्म है, बारिश वरिश हुई नहीं। ये देखिए कितनी हरियाली, कितनी इसमें कई प्रकार के आप लोगों को पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, आम महुआ नीम तमाम प्रकार के जंगली वृक्ष भी इसमें हैं। दिन के समय तो लोग आ जाते हैं, लेकिन रात में यहाँ आना थोड़ा मुश्किल ये रहता है कि जंगली जानवरों का डर रहता है। ये पूरा व्यू आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे लेकर चलते हैं, बने रहिए, ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये देखिए अभी नया बांस, यहाँ देखिए नया बांस निकल रहा है, ये पूरा देख सकते हैं आप लोग, जिसको हमारे भाषा में करिल बोलते हैं। बांस का जो न्यू बेबी जन्म लेता है उसको करिल बोलते हैं हमारे स्थानीय भाषा में, या बाप लोग के यहाँ दूसरे नाम से पुकारते होंगे इसको। वैसे ही इस चीज़ की सब्जी बनाई जाती है, ये जब छोटा रहता है काफ़ी छोटा तो इसको लोग तोड़ करके इसकी सब्जी बनाते हैं, काफ़ी स्वादिष्ट सब्जी होती है इसकी। यहाँ भी देख सकते हैं कुछ लोग अपना निवास बनाए हुए हैं। वैसे ये अस्थायी निवास तो नहीं है, गर्मियों में बारिश के मौसम में पशुओं के लिए लोग बाहर ही रहते हैं। देखिए ये पूरा एकदम खंडहर बन गया है, काफ़ी पुराना दिख रहा होगा आप लोगों को। ये वैसे जानवरों के लिए, लोग जैसे कि बारिश के मौसम में घर से बाहर लोग जानवर रखते हैं, क्योंकि वैसे भी कचरा ज़्यादा हो जाता है बारिश के मौसम, उतना जो सीवेज का उतना नियोजित ढंग से गांव में तो बनता नहीं है, तो लोग बाहर खेतों में अपने पशुओं को लेकर वहीं रखते हैं। ये पूरा व्यू आप लोग देख सकते हैं। आज तो हवा काफ़ी तेज चल रही है, ये देखिए वो देखिए भाई साहब लोग आगे जा रहे हैं। ये देखिए सई नदी पीछे आप लोग देख सकते हैं, अभी इसमें जल स्तर काफ़ी तेज से बढ़ रहा है और जलकुंभी भी आने लगी है। वैसे भी नदी कोई भी हो, वो अपने क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों की जीवन रेखा होती है, उसी से सिंचाई तमाम प्रकार के कार्य में इसका प्रयोग होता है, उद्योग क्षेत्र हो गया। ये देखिए अंकल अपने पशुओं को चरा रहे हैं यहाँ पे शाम के समय, गोजी लेकर के इनके भैंसे हैं दो चार वहाँ। अभी अब यहाँ से तो खैर उतना दिखाई नहीं देगा, हम आपको मूव करके दिखा रहे हैं। ये वहाँ उस वृक्ष के पीछे देख सकते हैं आप लोग, हाँ यहाँ से दिख रहा होगा, देखिए वो तीन चार भैंसे हैं वो अंकल चरा रहे हैं। ये पूरा व्यू आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको बैक कैमरा करके दिखाते हैं, बैक से चीज़ें स्पष्ट दिखती हैं। ये यहाँ से आप स्पष्ट देख सकते हैं, ये मेरी नदी सई नदी जो हम लोगों की जीवन रेखा है, ये देखिए पूरे उफान पे है, धीरे धीरे इसका जलस्तर बढ़ता ही रहेगा, और बढ़ने के बाद क्या होता है कि उस पार आप देख सकते हो वो जो वृक्ष नहीं दिखाई दे रहा है, काफ़ी ऊंचा तक पानी इसका पहुंच जाता है। तो कभी कभार अभी पिछले दो साल में बाढ़ एक बार आई थी तो मेरे घर तक लमसम पानी पहुंच गया था। यहां से आप सूर्य के प्रकाश का रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, ये देखते कैसे पानी की लहरें और इस सूर्य की रोशनी कैसे चमक रही इन लहरों के बीच, ये देख सकते हैं आप लोग। और ये देखिए जलकुंभी जा रही है,
ये पूरा व्यू। अब यहाँ से देखिए इन जानवरों को, अब यहाँ से आप ऊपर के सीन को देख सकते हैं। तो चलिए हम काफ़ी ऊंचाई पर पहुँच गए हैं, ये देखिए। यहाँ से व्यू आप लोग देखिए पूरा जानवरों का। वैसे महात्मा जी का एक कथन है कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, तो ये हकीकत भी है। आप देख सकते हैं जितना शुद्ध इन्वायरमेंट आपको गांव में मिल सकता है, शायद ही उतना शुद्ध इन्वायरमेंट शहर में मिलता होगा, क्योंकि शहर में उतना लोग वृक्ष लगाते भी नहीं, दूसरी बात जगह भी नहीं रहती। ये पूरा देख सकते हैं आप लोग। अब यहाँ से आप लोग भी देखिए पूरा। काफी अच्छा भी दिख रहा होगा, बहुत अच्छा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आज सावन का शायद लास्ट दिन था, यहाँ मेला का आयोजन हुआ है, तो चल रहे हैं देख रहे हैं। तो ये फाइनली हम लोग देखिए ये मेला में से जलेबी लिए अपने लोगों के लिए, उधर भाई साहब पकौड़ा लिए हैं। वहाँ देखिए बहुत शांत स्थान है, मंदिर है ब्रह्म बाबा की, वहाँ चल रहे हैं। पीछे देखिए एक बस खड़ी हुई है यहाँ जंगल में। फाइनली देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं, वो नदी किनारा दिख रहा है आप लोगों को। देखिए मंदिर का मेन द्वार देख सकते हैं हम लोग। यहाँ देखिए डायरेक्ट कितना ढलान है वो नदी में, पूरा लोग आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए कुआं, पानी है, अब तो इसमें पानी नहीं है, कुआं। चलो हम बैठे, चलिए फाइनली हम लोग अब खाने जा रहे हैं, खाने के बाद मिलते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं गरम गरम। ये पूरा व्यू देखिए आप, हम लोग इस घाट पे आ गए हैं। उधर देरी डोंगी से बाइक लेकर आएंगे, वो देख कर सकते हैं आप लोग। डोंगी के ऊपर बाइक रखेंगे फिर उसी को लेकर आएंगे। ये पूरा व्यू देख सकते हैं। यहाँ वैसे भी अब ब्रिज का निर्माण होने वाला है, पास भी हो चुका है, बाकी मटेरियल भी गिरने लगा है यहाँ से। तो इन दोनों गांव का जो कनेक्टिंग है, कनेक्टिविटी, अब ब्रिज के माध्यम से हो जाएगी, नहीं तो फिर इसके पहले अब क्या है कि जैसे नाव के माध्यम से लोग इस पार वाले उस पार वाले इस पार आते जाते रहते हैं। ये पूरा व्यू आप लोग देख सकते हैं। वहाँ देखिए कुछ लोग मछली मार रहे हैं। यहाँ से ऊपर का व्यू देखिए, वहीं ऊपर मेला लगा है, वैसे छोट मोट गांव का मेला। वहां कुछ बच्चे सेल्फी ले रहे हैं। ये पूरा व्यू आप लोग देख सकते हैं। यहां से व्यू देखिए कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। देखिए जैसे जैसे नदी का जलस्तर बढ़ेगा तो इस बांस में तार बांध करके, मोटा तार रहता है, फिर उस पर ले जा करके उसको किसी दूसरे में बांधते हैं, फिर इसी के सहारे नाव इस पार से उस पार करते रहते हैं। ऐसे में नाव बहने का भी डर रहता है ना। ये देखिए जलस्तर कैसे धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। ये कटाव देखिए नदी का, मृदा अपरदन। वहाँ देखिए डोंगे से बाइक लेकर आ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम अपने इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।
थैंक यू।